अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड्स एंड बींग्स। तो आज का जो टॉपिक है वो कबूतर की आँखों की बीमारी के बारे में है। अगर कबूतर की आँख में पानी आए या उसमें स्वेलिंग हो या रेडनेस हो तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो पहले तो आपको क्या करना है जी, आपको टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो पाउडर होती है तो वो लानी है। 100 ग्राम की शायद 60 रुपये की मिलती है, तो वो आप कहीं से भी ला सकते हो जहाँ पर वेटरनरी दवाएं मिलती हो। तो ये किस लिए यूज़ होती है? ये जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर है ये जो होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है और कुछ हद तक वायरल इन्फेक्शन के लिए भी होती है। तो इसे देते कैसे हैं? इसे देते हैं हम जी एक पिंच, या जिसे कहते हैं हम एक चुटकी लेनी है वो 1 लीटर पानी में डालें आप। तो इसके साथ आप क्या दें? इसके साथ आप पेरेस्टामोल जो है टैबलेट, वो आधा पेरेस्टामोल की टैबलेट दें, उसको पीस लें, फिर इस 1 लीटर में डाल दें आप। फिर इसको आराम से आप मिक्स कर लें। तो अगर बहुत सारे कबूतरों को है तो उनको दे दें, एक साथ दे दें पानी में। तो अगर एक कबूतर को हो गया है तो उसको 5 से 10 ml दे दें सिरिंज से, 3 से 5 दिन तक दे दें सुबह और शाम को। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो लाने बेटनिसोल आई ड्रॉप्स। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, 15 रुपये की आती है, तो आप आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो बेटनिसोल एन किस काम आता है? बेटनिसोल एन जो है जो आँखों में सूजन होती है या रेडनेस होती है ये उसको ठीक करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डेवलप होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। और ये जो बेटनिसोल एन है ये आपको दोनों आँखों में एक एक ड्रॉप डालनी है सुबह। अच्छा जी, शाम को आपने क्या करना है? आपने एक और दवाई लगानी है जिसका नाम है एमलोब आई ऑइंटमेंट। ये जो ये एमलोब आई ऑइंटमेंट है ये एक एंटीबायोटिक है, ये हमें शाम को दोनों आँखों में लगाना है। ये दवाई भी आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में, 60 से 70 रुपये तक मिलती है ये आराम से। इंशाल्लाह आपके कबूतर में पहले ही दिन के बाद बेहतरी नज़र आएगी। अब हम आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है दिखाते हैं। तो जी 2-3 कबूतरों को लग गई थी आँखों की बीमारी, तो उनमें से एक बच्चा ये भी है, तो काफ़ी स्वेलिंग और रेडनेस थी इसकी आँख में। ये देखिए इसकी दूसरी आँख भी काफ़ी स्वेलिंग थी, काफ़ी लाल हो गई थी इसकी आँखें और इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे दवाई डालनी है। तो ये देखें, ये है बेटनिसोल एन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये क्लियर हो जाए, एक मिनट जी, ये देखें, एक सेकेंड जी, ये देख लें आप, क्लियर हो जाए। फिर से जूम करता हूँ जी, आप देख लें बेटनिसोल एन जी। तो क्या करना है, आराम से आपने पकड़ लेना है। दो बंदे होंगे तो आसानी होगी, एक बंदा है तो ऐसे ही पकड़ लें, एक ड्रॉप डालें आँख में जी, ये गया। तो इसको 1, 2, 3 या 5, 6 सेकंड तक आप ऐसे ही रख लें ताकि ये जज्म हो जाए। काफ़ी ठीक हो चुका है बच्चा। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही डालेंगे अब जी, ये रहा, एक ही ड्रॉप डालना है बस। जी फिर आप 5-6 सेकंड तक आप ऐसे ही रख लें ताकि जज्म हो जाए, ये रहा जी माशाल्लाह। अब शाम को आपने एमलोब आई ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है जी, वो आपको इस नर पे दिखाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। इसको भी थी आंखों की बीमारी, काफ़ी ठीक हो चुका है ये भी, तो आपको दिखाने के लिए हम ये शाम को कर रहे हैं जी। ये एमलोब आई ऑइंटमेंट है, तो इसको थोड़ा सा आपको लगाना है आँख पे जी। हो गया, तो दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही कर लें, पकड़ लिया तो थोड़ा सा प्रेस कर लें आप इस ट्यूब को
आँख पे लगा दिया, बंद कर ली आँखें, हो गया जी, छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह लग गया जी इसकी आँख पे। तो ये ऑइंटमेंट शाम को ही लगाएं तो बेहतर है, सुबह ना लगाएं। 3 दिन तक आप ऐसा ही करें तो आपका कबूतर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। अमानिल्लाह।